हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगला है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे कि हमारी फूड पाइप, यानी कि जिसे हम आहार नली या इसोफेगस बोलते हैं, इसकी समस्या होने से हमें क्या सिम्टम आ सकते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी ओपीडी में बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको लगता है कि उनकी फूड पाइप में प्रॉब्लम है और वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं। तो आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि फूड पाइप की दिक्कत से हमें क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला जो सिम्टम है खाने की नली की दिक्कत का, वो होता है कि छाती में जलन होना। तो हमारी फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है जिसे कि हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये एक टाइट मसल होती है। ये एसिड को ऊपर आने से रोकती है। स्टमक में एसिड बनता है फूड डाइजेस्ट करने के लिए, तो एलईएस या वाल्व का काम है एसिड को ऊपर आने से रोकना। कुछ लोगों में ये वाल्व लूज हो जाता है या हाइटस हर्निया होने से भी ये वाल्व लूज हो जाता है, जिससे कि एसिड ऊपर आता है और एसिड के ऊपर आने से हमारी फूड पाइप में छाले हो जाते हैं जिससे कि जलन होती रहती है। तो इस बीमारी को हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। फूड पाइप की दिक्कत का दूसरा सिम्टम है छाती में दर्द होना। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को छाती में पेन हो सकता है। ऐसे पेशेंट पे हम पहले कार्डियक एग्जामिनेशन करते हैं। यदि किसी को सेंटर वाली बोन, इस बोन के पीछे दर्द है, तो उसका जो मेन कारण होता है वो होता है हार्ट के कारण, एंजाइना। यदि कार्डियोलॉजिस्ट ने एग्जामिनेशन कर लिया है और हार्ट नॉर्मल है, तो ऐसे मरीजों में हम फूड पाइप की दिक्कतों को रूल आउट करते हैं। तो छाती में दर्द होना जो फूड पाइप से रिलेटेड है, वो अगेन GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से हो सकता है। एसिड ऊपर आने से इसोफेगस में कॉन्ट्रेक्शन होती है जो कि पेन कर सकती हैं। कुछ लोगों में इसोफेगस की मोटिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसोफेगस की जो मसल है ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इन कंडीशंस को हम जैकहैमर इसोफेगस बोलते हैं, डिस्टल स्पाज्म बोलते हैं, या अकलेसिया बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो मुश्किल टर्म्स हैं, नटक्रैकर, जैकहैमर या फिर अकलेसिया। इन कंडीशंस के अंदर भी छाती में दर्द हो सकता है। इनको डायग्नोस करने के लिए हम मैनोमीटरी टेस्ट करते हैं। एक और सिम्टम है, वो है खाना निगलने या पानी पीने में दिक्कत होना। यदि मरीज को खाना निगलने में या पानी पीने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि फूड पाइप में ब्लॉकेज हो सकती है। इसके जो कारण है वो है खाने की नली में वेब बन जाना। वेब एक मेम्ब्रेन झिल्ली होती है। कुछ लोगों को आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, ऐसे लोगों को फूड पाइप में वेब बन जाते हैं जिससे कि खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को खाने की नली में स्ट्रिक्चर बन सकते हैं। स्ट्रिक्चर का मतलब है कि रास्ता टाइट हो गया है, कि रास्ता सिकुड़ गया है। तो स्ट्रिक्चर के बनने के जो कारण है वो है अगेन GERD। एसिड ऊपर आने से फूड पाइप में ट्रोमा हो सकता है, अल्सर बन जाते हैं जो बाद में टाइट होकर हील करते हैं। दूसरा कारण है यदि किसी ने गलती से कभी एसिड पी लिया हो, तो उससे भी स्ट्रिक्चर बन सकता है। तीसरी कंडीशन है इसोफेजियल इसोफेजाइटिस। इसोफेजियल इसोफेजाइटिस से फूड पाइप की एलर्जी होती है, जिससे भी खाना निगलने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि फूड पाइप का रास्ता नैरो हो जाता है। इसके अलावा एक सीरियस कंडीशन है इसोफेजियल ट्यूमर या कैंसर। यदि इसोफेगस में बेनाइन ट्यूमर जैसे कि लियोमायोमा है, अगर बड़ा लियोमायोमा बन जाए, उससे भी खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी को फूड पाइप का कैंसर है, उसमें भी खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। फूड पाइप का कैंसर अडल्ट एज में एक बहुत ही कॉमन कॉज है खाना अटकने का। फूड पाइप की डिजीज का चौथा सिम्टम है डकारे आना। कुछ लोगों में फूड पाइप का वाल लूज होने से पेट की हवा बार बार ऊपर निकलती रहती है, इससे कि मरीज को डकारे आती हैं। एक और सिम्टम है, वो है खाना खाते हुए पेन होना, जिसे कि हम ओडिनोफेजिया बोलते हैं। यदि किसी को फूड पाइप में अल्सर बन गए हैं, जैसे कि किसी को अगर वायरस की इन्फेक्शन है, वायरस की इन्फेक्शन होने से फूड पाइप में अल्सर बन जाते हैं जिससे खाना निगलने में सीवियर पेन होता है। एक और कंडीशन है पिल इसोफेजाइटिस। यदि किसी ने डॉक्सीसाइक्लिन या पोटेशियम की टेबलेट्स खाई हैं, वो जाकर फूड पाइप में चिपक जाती हैं, वहाँ अल्सर बन जाते हैं, जिसे कि हम पिल इसोफेजाइटिस बोलते हैं। इससे भी खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, खाना निगलने में सीवियर पेन हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में गांठें बन जाती हैं, यदि कोई गांठ फूड पाइप में फट गई है, तो उससे भी फूड पाइप में अल्सर बन जाता है, जिससे कि सीवियर पेन हो सकता है।
एक और महत्वपूर्ण सिम्टम है खून की उल्टी आना। दोस्तों यदि किसी को खून की उल्टी आ रही है इसका मतलब है कि फूड पाइप में अल्सर हो सकते हैं या वेरिक्स हो सकते हैं। वेरिक्स का मतलब है फूड पाइप की वेन का फूल जाना। यदि किसी को लीवर में दिक्कत है, लीवर सिरोसिस है, लीवर हार्ड हो गया है तो लीवर में प्रेशर हाई हो जाता है। लीवर का प्रेशर हाई होने से फूड पाइप की खून की नसें खुल जाती हैं और ये नसें फट जाती हैं और खून की उल्टी आ जाती है। तो दोस्तों फूड पाइप की डिजीज के सिम्टम हुए छाती में जलन होना, खाने का अटकना, खाना खाने या पानी पीने में दिक्कत होना, खाना खाते हुए छाती में दर्द होना या किसी भी समय छाती में सीवियर पेन होना या फिर खून की उल्टी आना या बार बार ढकारे आना। यदि इनमें से कोई दिक्कत है आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि इसको प्रॉपर डायग्नोस और ट्रीटमेंट किया जा सके। दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खाने की नली की इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती हैं